पूरे अमेरिका में इस वक्त करीब 30 यूनिवर्सिटीज में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। इनकी तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही हैं, किस तरह से वहां पर छात्रों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है, ये सभी चीजें इस वक्त सामने आ रही हैं। असल में ये शुरुआत हुई कोलंबिया यूनिवर्सिटी के साथ, जहां पर 17 अप्रैल को प्रदर्शनकारियों ने कैंपस के बीचों बीच टेंट गाड़ के वहां पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। असल में इसराइल ने जो हमला, जवाबी कार्रवाई जो किया है हमास पर 7 अक्टूबर 2023 के हमले के बाद और लगातार जो कार्रवाई कर रहा है उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन अमेरिकी यूनिवर्सिटीज में, कई अमेरिकी यूनिवर्सिटीज में लगातार चल रहा था। रैलियां हो रही थी, हंगर स्ट्राइक हो रहे थे, सिट इन प्रोटेस्ट हो रहे थे, लेकिन इस बार 17 अप्रैल जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ है, जो वहां पर टेंट गार्ड के जो प्रदर्शन शुरू हुए हैं, एनकैंपमेंट जिसको कहा जा रहा है, वो कई यूनिवर्सिटीज में फैल गया है। जब कार्रवाई हुई कोलंबिया यूनिवर्सिटीज पर तो उस पर रोक लगने के बजाय ये बाकी यूनिवर्सिटीज में भी फैल गया और करीब 30 यूनिवर्सिटीज में इस वक्त ये विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहे हैं। इनकी मुख्य मांग यह है कि विश्वविद्यालयों को जो एंडाउमेंट्स मिलते हैं, जो इसराइल से जुड़े कोई भी शख्स या बिजनेस के जरिए जो डोनेशन मिलते हैं, या फिर जिन कंपनियों में यूनिवर्सिटीज के स्टॉक्स हैं जिनके जरिए काफी पैसे आते हैं, उनसे बिल्कुल कोई भी जुड़ाव खत्म कर लिया जाए, कोई भी टाइज जो है वो बिल्कुल खत्म कर दिए जाए, ये इन छात्रों की मांग है। और समस्या ये है कि इन्हीं के जरिए यूनिवर्सिटीज के पास लाखों बिलियन डॉलर्स की वहां पर कमाई होती है, जिसके जरिए चाहे वो लैब रिसर्च हो या फिर स्कॉलरशिप हो या फिर कई और काम ऐसे जो यूनिवर्सिटीज के, बड़े यूनिवर्सिटीज के होते हैं, वो इन्हीं के जरिए चलता है। लेकिन अब गाजा में जो युद्ध है उसके विरोध में जो ये छात्र प्रदर्शनकारी हैं वो कह रहे हैं कि ऐसा हर टाई जो है, ऐसा फाइनेंशियल टाई जो है हर प्रकार से इसराइल से यूनिवर्सिटीज जो है वो खत्म कर ले। हालात ये हो चुके हैं कि कुछ जगहों पर क्लास बार बार बंद करने पड़ रहे हैं, कुछ जगहों पे ऑनलाइन क्लासेस करनी पड़ रही हैं, और कई जो यूनिवर्सिटीज हैं अब इस हालात में पहुंच गए हैं कि उन्होंने पुलिस बुलाई है और पुलिस का सहारा लेकर प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाने की कोशिश की जा रही है। सिर्फ कोलंबिया यूनिवर्सिटी से कम 300 छात्र जो है, प्रदर्शनकारी जो है, वो गिरफ्तार किए गए। हालांकि कुछ का ये भी आरोप है कि इनमें सिर्फ छात्र नहीं, बाकी भी जगहों से आकर प्रदर्शनकारी जुड़े हैं। कुछ जो प्रोफेसर्स हैं कुछ यूनिवर्सिटीज के, वो भी इन प्रदर्शनों को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो भी एक यहाँ पर फैक्टर है। अभी तक भले ही कोलंबिया से 300 छात्रों की गिरफ्तारी की बात हो, लेकिन अब तक प्रदर्शनों के शुरू होने से लेकर अब तक करीब 1000 से ज्यादा गिरफ्तारियों की खबर कई मीडिया आउटलेट जो वहां पर है वो दे रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया इन एलए, यानी कि यूसीएलए में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ विरोध कर रहे जो गुट हैं, इन दोनों गुटों में भी झड़प हुई। माना यह जा रहा है कि कम एक इसमें प्रदर्शनकारी जो है वो घायल भी हुआ है। कई यूनिवर्सिटीज में जब ये एक सर्वे किया गया, पूछताछ की गई, तो ये भी पता चला कि जो जूश यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, जो यहूदी छात्र हैं, उनमें इन प्रदर्शनों के कारण काफी हद तक असुरक्षा की भावना, भय की भावना भी वहां पर है। कई यूनिवर्सिटीज ने जहां पर पुलिस का सहारा लिया हुआ है ताकि इन कैंपमेंट्स को, जो टेंट गाड़ कर वहां पर जमे हुए हैं छात्र, उनको हटाने की कोशिश में जो लॉ इन्फोर्समेंट है उसकी मदद ली जा रही है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसे भी हैं जो इन प्रदर्शनकारियों से बात कर रहे हैं, वो एक डील तक भी पहुंचे हैं। जैसे नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी है, उसने जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं उनसे ये डील की है कि प्रदर्शन का जो साइज है वो छोटा किया जाए, प्रदर्शन वो बेशक करे लेकिन वो कम छात्र जो है ये प्रदर्शन करे। दूसरी तरफ ब्राउन यूनिवर्सिटी है, ये भी एक बहुत जानी मानी यूनिवर्सिटी है, उसने ये कहा है कि अक्टूबर में छात्रों की जो ये मांग है कि इसराइल से हर प्रकार का फाइनेंशियल जुटाई है वो तोड़ लिया जाए, इस पर वो वोटिंग कराएगी और छात्र तैयार हो गए। तो इस तरह की डील्स भी कुछ छात्र कर रहे हैं। हालांकि कुछ का ये भी कहना है कि जो प्रदर्शन है अधिकतर वो शांतिपूर्ण है, तो इसमें पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या इस तरह से अगर विश्वविद्यालय, जो इसराइल से कोई भी आर्थिक जुड़ाव है उसको अगर तोड़ लेते हैं, तो क्या उसका इसराइल गाजा, इसराइल हमास युद्ध पर कोई भी असर पड़ेगा? जानकार कहते हैं इसका कोई खास असर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन यूनिवर्सिटीज की आर्थिक हालत पर इसका असर जरूर पड़ सकता है, खासकर जो कोविड के बाद जो स्थिति बनी हुई है और उसके बाद जो दुनिया के आर्थिक हालात हैं अलग अलग देशों में उसको लेकर, तो उसका असर यूनिवर्सिटीज पर जरूर पड़ सकता है।
इन प्रदर्शनों को देखकर एक चीज ये भी कही जा रही है कि ये वियतनाम युद्ध के समय जो अमेरिकी इन्वॉल्वमेंट था वहां पर वियतनाम युद्ध में उसके खिलाफ जो कैंपस पर प्रदर्शन हुए थे ये उनकी याद दिला रहा है। हालांकि अभी भी कई छात्र जो हैं वो विरोध में शामिल होने के लिए वो सस्पेंड भी किए गए हैं, कईयों पर कार्रवाई और हो सकती है। अभी फिलहाल लगता नहीं है कि ये विरोध जो है बहुत जल्द बंद होने वाला है क्योंकि ये कई यूनिवर्सिटीज में फैला हुआ है, लेकिन इसको काबू में करने की कोशिश और शांतिपूर्ण रहे विरोध इसकी कोशिश जरूर वहां पर यूनिवर्सिटीज जो है वो कर रहे हैं। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।